हेलो, गुड मॉर्निंग आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज है दिन मंगलवार और डेट है 29 मार्च 2022। अभी दिन के 6:10 होने जा रहा, तो बाकी सारा काम मेरा हो गया है। जा रहे थे सब्जी काटने, तो सोचे थोड़ा सा मॉर्निंग का व्यू आप लोग को भी दिखाते हैं। सारा हो गया, क्लीनिंग का काम सब हो गया, तो थोड़ा सा सुबह सुबह छत पे आप लोगों को दिखा देते हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए बैक कैमरा से दिखाते हैं। भाग गया है कहीं, मैंने भाग नहीं किया है, सुबह सुबह घूमने गया। ये देखिए सूरज महाराज, ये है सुबह तार ही तार नजर आता है, जितना इलेक्ट्रिक का तार है ना सब यही नजर आता है। आम का मंजर तो सब झड़ गया। छोटा छोटा है लेकिन कम ही है, मंजर बहुत ज्यादा था सिर्फ यही वाला आम में, ये दोनों तो नहीं। तो ये है सुबह का व्यू, फ्रेश सुबह सुबह बहुत ज्यादा फ्रेश। तो आज लंच में बनाने जा रहे थे, जो कद्दू लाए थे ना एक दिन, उस दिन कद्दू लाए थे, वो छोटा सा कद्दू उसका थोड़ा सा पार्ट काट के बचका के लिए, इनको बचका बहुत अच्छा लगता है। फिर थोड़ा सा हरा चना भी था उसका, और घर का जो सीटी आया था पतला वाला उसका, और आलू का मिला के सब्जी। तो यही है ये कद्दू का बचका, हम लोग बचका बोलते हैं, मतलब पकौड़ी। ये देखिए ये चना वाला है, हरा चना का, बस छोटा छोटा 8 पीस हुआ था, तो 2 आदमी के लिए काफ़ी है। तो ये बना दिए, और ये दोनों चीज़ का हमको याद नहीं था, तो हम सोचे कि सिर्फ सब्जी हो रहा है तो आलू काट के भुजिया बना देते, तो भुजिया भी काट दिए थे। तो ये हो गया आलू का भुजिया। और उसके बाद फिर वही सीटी और आलू का सब्जी बनाए, लेकिन ये चावल के साथ खाने में मज़ा आता, लेकिन कुछ कारण बस बनाना पड़ा रोटी नहीं पराठा बना दिए थे। और हाँ, पराठा बनाया तो उसमें 2 बड़ा बड़ा आटा का लोई रह गया था,
तो कहे अब इसका लच्छा पराठा बनाते हैं। वही कल शेयर किए थे आप लोग से, तो लच्छा पराठा बनाया था दो पीस के, बड़ा टेस्टी बना, बहुत बढ़िया लगा था। तो देखिए इसी में दो टमाटर भी डाल दिए, हल्दी डाल दिए, नमक डाल दिए और अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट देखिए यहाँ पे रखा हुआ है मिक्सी जार में, और उस तरफ कर दिए भुजिया को और इस तरफ कर दिए सब्जी को। तो फटाफट दोनों चीज़ें एक साथ हो गया, फिर उसके बाद पराठा बना लिए थे। तो आज और कुछ विशेष नहीं किए, उसके पीछे रीज़न था कि सुबह में खाना बना के उसके बाद नहा धो के पूजा उजा कर लिए तो चले गए थे फिर पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस से आए उसके बाद आप लोग से मिले, और फिर उसके बाद मेरे यहाँ संजोग से कहिए कि मेरे यहाँ कोई आए हुए थे, तो आए हुए थे तो फिर वो तो 5-6 बजे गए आकर। फिर उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा वीडियो एडिट करने के लिए बैठे वैसे ही फिर कोई आ गया। तो कल मेरे लिए बहुत अच्छा दिन रहा कि मेरे घर कोई आया था, लेकिन आप लोगों से मिलवाए नहीं, इसलिए कि अब सामने नहीं कोई, उन लोग नहीं आना चाहते हैं कैमरा में, तो फिर नहीं आए उन लोगों को लिए। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम बिजी रहे, हमको बहुत अच्छा लगा। फिर भी कुछ सोचे थे रात में कि कुछ डिश बनाएंगे, लेकिन कल बहुत ज़्यादा थक गए थे तो फिर कुछ नहीं बनाए। तो जो भी खाना बनाए बस जो डेली रूटीन था वही, और अलग में वही बनाया था थोड़ा सा लच्छा पराठा, वही आप लोगों से शेयर किए थे। तो लीजिए यहाँ पराठा भी मेरा बन रहा है, एक तरफ सब्जी भी हो गया, भुजिया भी हो गया और पकौड़ी भी हो गया था, फिर उसके बाद पराठा भी बन गया। तो ये सब सारा काम हो गया और कुछ अलग से कुछ नहीं कर पाया। रात में सोचे थे कि कुछ डिश बनाएंगे लेकिन नहीं कर पाए, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर बनाएंगे और दिखाएंगे भी आप लोगों को। तो सुबह के बाद अभी मिल रहा है, चले गए थे 1:45 में थोड़ा बाजार। तो जो भी बनाए हैं जैसा भी बनाए हैं, लेकिन काम मेरा नहीं हुआ, कुछ कुछ काम हुआ। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कल जो आई थी वही हमको बोल रहे थे धोले, आपका साउंड कम, उसके बाद फिर मिलते हैं। यही महीना में तो कुछ ना कुछ तो सामान तो खत्म हो जाता है ना, लेकिन गए थे पोस्ट ऑफिस लेकिन हमें याद नहीं था कि 28-29 को स्ट्राइक है। तो गए तो हम कुछ कुछ सामान भी लेके आ गए, पोस्ट ऑफिस वाला काम तो नहीं हुआ अब तो कल होगा, और कुछ कुछ सामान है। जैसे हिट हमको परेशानी है छिपकली से, बाथरूम में छिपकली इतना रहेगा ना कि जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसको स्प्रे करते हैं तो वो वेंटिलेटर से भाग के बाहर जाते हैं। एक ब्रश जी भी ले आए, एक शैम्पू का बोतल जी भी हिट लाए, एक और हिट दे रहा था 180 रुपया का,
और नहीं इसी को रहने दो। और क्या लाएं? पूजा का सामान, पूजा का सामान है तो घी तो प्योर मिलता नहीं है। अब घर वाला घी से कभी कभी जिससे ऑकेजनली जलाते हैं जो प्योर घी हो जाता है उससे, और ये डेली जलाने के लिए तिल का तेल। चंदन हो गया, रोड़ी हो गया, यही सब है। पूजा का सामान मेरा खत्म हो गया था। कपूर हो गया, यही कपूर है 80 रुपये का। बहुत सब कुछ हो गया, ये तो पूजा वाला सामान ही गया। सब्जी हम बाजार जाएं और सब्जी नहीं लाएं तो हो नहीं सकता। अरे फिनाइल का गोली ला, सब्जी में है बैंगन, शिमला मिर्च, और पटल। पटल मतलब परवल, हम लोग अपना भाषा में इसको पटल बोलते हैं। तो ये पटल ही है, परवल होता है जिसमें ना बीज बहुत नरम होता है। एक ले लिए यही सब का, मतलब इतना ही साइज का जो कटहल अभी निकल रहा है ना, इसी का सब्जी अच्छा होता है तो इसीलिए ले लिए। तो यही सामान लाए हैं। फिर मिलते हैं।